हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल त्याग के समय हम किस पोजीशन पर बैठे हैं, यानी सिटिंग पोजीशन पर बैठे हैं कि स्क्वाटिंग पोजीशन पर बैठे हैं, कि हमारा मल एक बार में अपने आप हमारे शरीर से बाहर निकल जाए और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में दो प्रकार के टॉयलेट्स यूज होते हैं। एक इंडियन टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम स्क्वाटिंग पोजीशन पर बैठते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि ये जो बैठा हुआ व्यक्ति इसमें दिखा है, ये स्क्वाटिंग पोजीशन होती है। इस पोजीशन पे जब हम बैठते हैं तो हमारा जो प्यूबोरेटलिस मसल होता है ये पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और हमारे रेक्टम में जो भी मल होता है वो अपने आप धीरे धीरे पूरे एक बार में हमारे शरीर से त्याग हो जाता है। हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। और अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं, जो कि इसमें इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पोजीशन में बैठने से हमारा जो ये प्यूबोरेटलिस मसल होता है ये पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में लगभग 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री का एक एंगल बनता है, जिसकी वजह से मल पूरा एक बार में पास आउट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। डियर फ्रेंड्स, अगर कोशिश करिए, आपके घर में अगर इंडियन टॉयलेट है तो इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करिए, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग कम से कम करिए। अगर करना ही है, मजबूरी है कि घर में वेस्टर्न टॉयलेट ही लगा है, तो एक पिक्चर उसमें मैंने दिखाया है कि आप और पास नहीं, अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो आप एक पैर की तरफ जो आपके फुट होते हैं उस पर एक हल्का सा स्टूल लगा लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो एनल कैनाल होती है और रेक्टम, ये आप नीचे थोड़ा देखिए कि यहाँ पे इस पोजीशन जब आप बैठेंगे तो यहाँ पे प्यूबोरेटलिस मसल थोड़ा सा ये क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से मल एक बार में आपका पास हो जाता है। अगर आप इस पोजीशन बैठेंगे तो यहाँ देखिए ये प्यूबोरेटलिस मसल ने क्या कर रखा है, रेक्टम और एनल कैनाल को चोक कर दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मल एक बार में पास नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको मेडिकली अभी समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें दिखाइए बेटा, ये प्यूबोरेटलिस मसल है, ये हमारा प्यूबिक बोन होता है, ये हमारे रेक्टम होता है, ये एनल कैनाल होती है, और पीछे आप देख रहे हैं बैकबोन है। ये मेडिकली मैं आपको बताऊंगा कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल अगर ये बढ़ जाए तो हमारा मल एक बार में अपने आप पास आउट हो जाता है। हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही नहीं है, हम कितनी भी अच्छी दवा ले लें, अगर हमारी बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है, प्यूबोरेटलिस मसल की वजह से हमारा मल एक बार में पास नहीं हो पाएगा, अगर हम सही से नहीं बैठेंगे, अगर यानी स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेडिकली और साइंटिफिकली दोनों समझाएंगे कि प्यूबोरेटलिस मसल कैसे वर्क करती है हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाने में। थैंक यू।